नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस का नोड 2T. अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं खरीदने की, तो ये वीडियो आप कंप्लीटली जरूर देखें। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाले हैं, साथ ही इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले स्मार्टफोन के लिए काफी अहम हो जाती है। अगर डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन उतना सुटेबल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं रहता है। चलिए अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको लगभग 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले रहेगी, 409 ppi पर बेस्ड है, 98 के रेफ्रेश रेट के साथ में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करें इसके कैमरास की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैकएंड कैमरास देखने को मिल जाते हैं वह दोस्तों 50 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel के रहेंगे। अगर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो 32 megapixel का सेल्फी कैमरा आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की नेटवर्क फैसिलिटीज की तो मैं भी आपको 5G वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैटरी बैकअप यहां पर देखने को मिल जाता है, ये 4500 mAh के अंदर आपको 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, काफी शानदार, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के अंदर ले लेते हैं सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को। अगर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर, वैसे इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं मेनी वेरियंट पर आते हैं, आपको 8GB 128GB 8GB 64GB 4GB 64GB, पहले तो 3GB 32GB भी आया करता था, आजकल तो वो काफी लोअर क्लास पर आता है, आपको 8GB 6GB या 8GB 128GB 12GB 256GB भी काफी हायर वेरिएंट मिल जाते हैं। अब आपकी इच्छा है आप कौन सा वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, प्राइस भी वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड होगी। चलिए अगर हम बात करें परफॉर्मेंस में इसके चिपसेट की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो चिपसेट यहां पर देखने को मिल जाता है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं इसके सीपीयू परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर आपको जो सीपीयू यहां पर देखने को मिल जाता है वह ऑक्टा कोर का 3GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड की बात करी जाए तो इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.6GHz का सीपीयू लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट अपग्रेड कर देता है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंग ट्राई कोर का 2GHz का सीपीयू लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड और कर देता है और ज्यादा। चलिए अब आप इस स्मार्टफोन की ओवरऑल इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। नेटवर्क फैसिलिटीज 5G वेरिएंट पर रहेगा, ये ऐसा इसलिए भी 5G वेरिएंट पर रह सकता है क्योंकि ये काफी शानदार डायमेंसिटी 1200 आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, क्योंकि प्रोसेसर काफी ज्यादा धांसू, काफी ज्यादा शानदार है, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो प्राइस देखने को मिल सकती है अंडर 30K के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। फिलहाल इंटरनेट की रिसर्च के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और यह लगभग आपको अप्रैल महीने के अंदर लॉन्च होने की संभावना लग रही है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, खरीदने की सोच रहे हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन जब यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर आएगा तब। अगर आप इस स्मार्टफोन से रिलेटेड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके इसकी ऑफिशियल न्यूज जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहें तो
आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट जरूर करें। यह सभी इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट से विजिट करके इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कराई है। आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।